लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जनाजा जब लोग लेकर के चलते हैं तो भी मुर्दा सब बातों को सुनता है। एक और अहम बात मुसलमानों के मोमिनों के फायदे की, जब किसी की मैयत में जाऊं ना उसके जनाजे में, तो प्लाट की, रिश्तों की, दुकान की, मकान की बातें मत किया करो, बल्कि मुर्दे की तारीफ किया करो। दो चीजें करो, या तो अल्लाह का जिक्र करो या तो मुर्दे की तारीफ करो। देखो हर इंसान के अंदर कितना भी बुरा हो, कोई ना कोई खूबी तो उसके अंदर होती है, तो उसकी खूबियों का जिक्र करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला उसकी मैयत में फरिश्तों को फैला देता है। फरमाता है जाओ और जा करके सुनो कि मुसलमान इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। फरिश्तों को अल्लाह भेजता है कि उसकी मैयत में कि जाओ और सुनो कि मुसलमान, अल्लाह के वो सब जानता है, लेकिन रहमत खुदा बहाना मी जो बख्शने के बहाने तो देखे मेरे अल्लाह की बारगाह, उसे कैसे बख्शने के बहाने आते। फरमाए जाओ, जा करके सुनो कि उसके बारे में मैयत में आने वाले क्या बोल रहे हैं। तब वहां पर क्या बात होती है, अल्लाह अभी तो अच्छा बैठा हुआ था, उसको अटैक आ गया, यहाँ दवा खाने में नहीं ले जाते, उधर ले जाते तो बच जाता, ये सारी बंकसबाजी होती रहती है। और उसके बाद कुछ तो इतने बदमाश किस्म के होते हैं, वो बुराइयाँ बयान करते, अच्छा मर गया बेचारा, बेचारा ही बोल के कहते हैं, लेकिन ला इलाहा, तुम्हें भी मरना है ना एक दिन, मरना है। तुम्हारे गलत चाहने से उसका गलत नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उसके बख्शिश का सबब बन सकते हो तो बन जाना। अगर 40 मोमिन उस मैयत के अंदर मुर्दे की तारीफ कर दे कि बड़ा अच्छा था, वो फरिश्ते कहते हैं मौला तारीफ हो रही थी का, कितने का 40, अल्लाह फरमाता है अगर मेरे 40 बंदे उसकी अच्छाई पर मुत्तफिक हो गए हैं तो मैं उसको बख्श देता। इसीलिए दो चार छह लोगों को जमा करके, दो चार छह लोगों को जमा कर, माशाल्लाह बहुत अच्छा था, उसकी कितना भी पापी होगा कोई अच्छी, कोई तो अच्छी बात उसकी होगी, वही अच्छी बात कर देने, सबसे मिल मुस्कुरा के मिलता था, मिलजुल के रहता था, इस तरीके की कोई उसकी कुछ। देखो ये आदमी कितना भी बुरा हो, कोई ना कोई उसकी तो अच्छाई होगी, तो उसका जिक्र कर दिया करो। अगर अपनी अच्छाई बयान करने से उसकी मगफिरत होती तो अपना जातक क्या है। तो अगर हम किसी का भला चाहेंगे, हो सकता है अपनी मैयत में भी कोई आकर के कह दे कि मैं बड़ा अच्छा था, तो उसके सदके अपनी भी बख्शिश हो जाएगी। और मैं तो कहता हूँ यार, कोई ना भी चाहे ना, तो मेरा अल्लाह तो चाहता ही है बख्श देना, वो तो चाहता ही है बख्श दे, वो कहता है मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूँगा अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम, बल्कि हदीस पाक है कि मोमिन की मौत उसके गुनाहों का कफारा है। बल्कि क्या बहाने ढूंढे जाते हैं। फरमाया गया अगर जनाजे के अंदर कोई नेक आ जाए और वो कंधा दे दे तो भी मुर्दा बख्श दिया जाता। नमाज जनाजा में 3 सफ लग जाए ना, या 40 मोमिन जमा हो जाए तो भी बख्श दिया जाता है। और खास बात कि ना 3 सफे हुई, ना 40 लोग जमा हुए, ना किसी ने तारीफ की। फरमाया गया हाय हाय क्या अंदाज है बख्शने के, अगर किसी बख्शे हुए मुर्दे के करीब उसकी कब्र बन जाए तो भी अल्लाह बख्श देता। कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।